जिन दिनों में भ्रमण कर रहा था और मधुकरी लेकर एक नियम का पालन कर रहा था, वो मधुकरी के नियम मेरे, मधुकरी माने भिक्षा के नियम मेरे ब्रज में मैंने सिद्ध किए। अब वो कितने हुए राम जाने, लेकिन हम मधुकरी का आनंद ब्रज में लिया है हमने। हमें इस बात का गौरव है कि हमने अपने विद्या गुरु के कहने से मधुकरी ली और हमको बड़ा आनंद मिला। नंदगांव में कृष्ण कुंड नाम की जगह है, कृष्ण कुंड, और थोड़ा सा आगे बढ़े एक वैष्णव महात्मा वहां रहते थे। पहली रात मेरी वहीं बीती और वहां एक और साधु था। उन दोनों 3 दिन तक साधु से कोई काम नहीं कराते थे। 3 दिन के बाद उससे कहते, आलू छील लो, भोजन बना लो, बर्तन धो दो। हमने कहा हम तो कुछ भी चाकरी करने को तैयार है, पर रहना ही एक रात है हमको, तो एक रात रहना है। कृष्ण कुंड से आगे हम एक रात किसी एक साधु के यहां रुके। एक साधु और था वहां सेवा में, और तब उसने कहा कि महाराज जी कुछ एक आध घंटे के लिए विश्राम करते होंगे। बूढ़े महात्मा, बोले इनका अद्भुत महात्मा है। हमने कैसे है? बोले ने रामायण कंठस्थ है, भागवत कंठस्थ है। और जब उन्होंने धीरे धीरे बताया कि उपनिषदों का पारायण करते हैं, प्रस्थान त्रय के अद्भुत ये अध्येता हैं, प्रस्थान त्रय के अद्भुत व्याख्याता हैं, प्रस्थान त्रय का अद्भुत अभ्यास है इनका, तब इस तरह से उनकी विद्या के वशीभूत होकर उस गांव में मैं 7 दिन और रोका। लेकिन पहले 3 दिन तक तो उन्होंने कुछ नहीं कराया, पर मैं लग गया था काम में, सेवा में, जो मुझे सेवा मिली, चंदन घिसने की, बाती बनाने की, जगमोहन गर्भगृह साफ करने की। और 7वें दिन मुझे वहां से निकलना था। अद्भुत महात्मा, उन्होंने ये बात बताई कि व्रज का सबसे सुंदर कोई गांव था तो नंद गांव, वो एक गांव नंद बाबा के लिए सौंप दिया गया, और उससे अगला गांव बरसाना, श्री जी जहां श्री जी का गांव, जहां जब भगवान 5 बरस के थे और उनका राधिका से विवाह करा दिया गया। पुरोहित कोई और नहीं, ब्रह्मा जी बने। साक्षी के लिए शिव आकर बैठे, देवगण वहां उपस्थित थे, ऐसा पुराणों में आता है। हनुमान प्रसाद पोद्दार स्वर्गीय, उनके राधा माधव नाम, राधा माधव चिंतन नाम के ग्रंथ में ये सब बातें लिखी हैं। अग्नि क्षमा कीजिए, पद्म पुराण में ये सब बातें लिखी, राधा कृष्ण के सत्य को, कि राधा और कृष्ण क्या है।